हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहा है मलाई कोफ्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होती है। कि आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि आप मलाई कोफ्ता खा रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि झटपट से क्या बनाएं आलू और पनीर से रिलेटेड, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और आप घर में ही रेस्टोरेंट का अनुभव कर सकेंगे। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जो कि सभी के फेवरेट और मनपसंद होती है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक पैन और गैस ऑन कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर जीरा 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ किया है, क्लोव्स यूज़ किया है 4-5 ब्लैक पेपर, 7-8 दाना। और उसके बाद दालचीनी मैंने डाला है, और फिर छोटी इलायची भी डाली है। और उसके बाद मैं इसमें तेज़पत्ता यूज़ करूँगी और थोड़ा सा इसको चला लूँगी, और फिर उसमें मैं ऐड करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जो कि है चॉप्ड या ग्रेटेड जिंजर। थोड़ा सा भून लूँगी, फिर मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ रफली चॉप्ड ऑनियन, और फिर मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक भी यूज़ की हूँ। हल्का ब्राउन होने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और चला लूँगी। फिर मैं अब इसमें ऐड करूँगी कैशू नट्स, 8-10 कैशू नट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी, तो इसमें कैशू नट का यूज़ होगा। फिर मैंने इसमें चॉप्ड ग्रीन चिली भी डाल दिया है, और फिर मैं थोड़ा देर से भून लूँगी जब तक ये पिंकिश ना हो जाए, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए प्याज का। और फिर मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो ऐड कर दूँगी चॉप्ड करके, मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो भी। फिर थोड़ा देर भुनने के बाद मैं, जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जैसे मसाले हो गए। उसमें मैंने यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, और फिर मैंने इसमें ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टीस्पून, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तब मैं इसको इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए, अच्छे से गल जाए। ये जो मसाला हम लोग रेडी कर रहे हैं इसके ग्रेवी का, वो इसी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आता है। आप जब भी बनाएं, अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का कोई ग्रेवी वाला रेसिपी बनाना है, तो आप इस तरीके से उसका मसाला रेडी करें, तो जो आपका डिश है वो पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में बन करके तैयार होगा। रेस्टोरेंट वाले लोग इसी तरीके से ग्रेवी रेडी करते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे एक साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अब मैं कोफ्ता की तैयारी करूँगी। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर पनीर, और उसे अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है एक बाउल में। और फिर मैं यहाँ पर उबले हुए आलू भी ले ली हूँ, ये उबले हुए आलू हैं। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर ली हूँ, आप इसे मैश कर लीजिएगा अच्छे से, इसके गुलठियाँ ना हो। अब मैंने इसको भी पनीर वाले बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जैसे हो गया नमक, जो कि आप स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप्ड कुछ नट्स हैं वो ऐड करूँगी। पहले मैंने यहाँ पे जिंजर भी चॉप्ड करके रखा था, वो भी ऐड कर दिया है, और चॉप्ड कैशू नट, और चॉप्ड यहाँ पर किशमिश का भी यूज़ किया मैंने, क्योंकि मलाई कोफ्ता बना रहे हैं तो शाही स्टाइल में बनता है ये रेसिपी, तो फिर इसको आप बिना नट्स के मत बनाइएगा, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा उसके बिना। फिर मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और चॉप्ड कोरिएंडर भी लीव्स भी डाल दिया है इसके अंदर। और फिर मैं इसमें अच्छे बाइंडिंग के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ की हूँ, ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए, फटे ना ऑयल में। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर के जगह पर मैदा का भी यूज कर सकते हैं, और आपको यदि सूखा लगे तो थोड़ा सा इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इस तरीके से सब इसका रेडी कर लिया है। अब मैं इसकी गोलियां बना लूँगी, बॉल्स मैं रेडी कर लूँगी। आप ये ध्यान दीजिए कहीं से फटे ना। आप इस तरीके से सारे बॉल्स को रेडी कर लीजिए, छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। आप चाहे तो चिपटे आकार में भी बना सकते हैं। मैं सारे बॉल्स इस तरीके से रेडी कर ली हूँ।
अब कोफ्ता की बारी है तलने की, जो कि मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छे से गरम हो जाए तेज़ आंच में, तब मैं इसमें डालूंगी सारे कोफ्ताज जो हमने बॉल्स बना करके रेडी किए थे। आप कोफ्ताज को एक एक करके ही डालें, नहीं तो ये फट सकते हैं आपस में सेट करके। इस तरीके से सारे बॉल्स इसमें डाल सकते हैं, आपको जितना कैपेसिटी है इस पैन में। और फिर एक एक करके आप धीरे धीरे आप स्लोली स्लोली इसको टर्न कीजिए, नहीं तो फटने का डर रहता है। क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, ये आलू और पनीर से बन के तैयार होते हैं। लीजिए, हमारे कोफ्ताज तो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे पैन से निकाल लेती हूँ और फिर दूसरा बैच भी है तैयार, उसको भी मैं डाल दूँगी इसी तेल में। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इसका मीडियम आँच या तेज़ आँच में ही रहना चाहिए, स्लो फ्लेम में आँच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके कोफ्ताज सारे फट जाएंगे। अब बारी है यहाँ पर ग्रेवी रेडी करने के लिए। तो जो हम लोग ने मसाला रेडी किया था वो ठंडा हो चुका था, अब मैं उसे डाल लेती हूँ एक जार में और उसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लूँगी। ये देखिए, मैंने स्मूथ पेस्ट रेडी कर दिया है, बट थोड़ा सा इसमें फाइन नहीं हुआ था, तो मैंने इसी का पानी जो था उसी को यूज़ किया है उसमें डाल करके, और फिर उसका पेस्ट रेडी किया है, वो कि अच्छा सा स्मूथ हो चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने वापस जब पेस्ट पीसा तो कितना अच्छा फाइन रेडी हो चुका है। अब मैं उसे एक बाउल में निकाल लूँगी और बाकी के मसाले भी पीस लूँगी। ये देखिए, ये है मसाले बचे हुए बाकी के, अब मैं उसे भी एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लूँगी और फिर इसी बाउल में डाल लूँगी। अब जो हमने तलने के लिए रखा था बाकी कोफ्ताज को, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है, अब उसे भी एक साइड में करके रख लूँगी। ये देखिए, हमारे सारे कोफ्ताज रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे हटा देती हूँ और इसमें के सारे ऑयल निकाल लूँगी, बचे हुए थोड़े से ऑयल रख दूँगी। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है एक पिंच शुगर और कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और फिर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पिसे हुए जो फाइन स्मूथ पेस्ट हम लोगों ने रेडी किए थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इस पेस्ट को ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के मसाले ऑलरेडी पहले से फ्राई है, भुने हुए हैं, तो हम लोग ज़्यादा इसको मसाले को भुनेंगे नहीं। बस थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो जाए तब तक मैं इसे थोड़ा भून लूँगी। आप ध्यान दीजिएगा, नीचे से चलाते हुए रहिएगा, नहीं तो थोड़ा सा चिपक भी सकता है क्योंकि गाढ़ा है ग्रेवी। अब ये ऑयल रिलीज़ कर चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी, जितना आपको इसका थिकनेस चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा तो चलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पतला ग्रेवी भी रहेगा क्योंकि सारे कोफ्ता इसको पानी भी सोखेगा इसका। तो ये अब मैं थोड़ा देर इसे धीमे आँच पर पकने दूँगी। थोड़ा देखिए, ये ऑयल रिलीज़ कर चुका है। अब मैं इसमें सारे कोफ्ताज को बारी बारी करके, वन बाय वन करके मैं इसे प्लेस कर दूंगी। एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी सारे कोफ्ता को। और अब मैंने गैस बंद कर दिया है, मैंने सारे कोफ्ता को इसके अंदर डाल दिया है। अभी बाकी है इसके इंग्रेडिएंट जो कि है फ्रेश क्रीम, मैं उसे अच्छे से गार्निश कर लूँगी क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल है तो थोड़ा रेस्टोरेंट लुक भी तो आना चाहिए। तो मैंने इसमें थोड़ा फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। और फिर मैं ऊपर से इसको चॉप्ड धनिया से भी इसको गार्निश कर लूँगी ताकि ये और भी ब्यूटीफुल लगता है देखने में। ये लीजिए, गर्मा गर्म मलाई कोफ्ता रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल में। और आप कब बना रहे हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला मलाई कोफ्ता। तो चलिए, अब आप भी इंजॉय कीजिए इस मलाई कोफ्ता को। आप इसे किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नान, चाहे लच्छा पराठा हो गया, रोटी हो गया, चाहे पूड़ी हो गया। और ये देखिए, मैं इसे सर्व की हूँ रोटी के साथ क्योंकि हम लोग ज़्यादा रोटी खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए, मैं इसे थोड़ा तोड़ करके आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन के तैयार हुई है। मेरे तो मुँह में आ रहा था पानी और मैंने झटपट से मुँह में इसको डाल लिया। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे बन करके तैयार हो गई झटपट से रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई कोफ्ता। तो अब आप भी ज़रूर बनाइए अपने घर में और मुझे अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी बनाई हुई मलाई कोफ्ता की रेसिपी कैसे बन के तैयार। तो अपने अनुभव शेयर करना ना भूलें, अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए कि आपकी जो बनाई हुई रेसिपी है वो कैसे बन के तैयार हुई थी, अच्छी बनी थी कि नहीं बनी थी। और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आई, तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ।